जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी AAI की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका इस भर्ती का जो कि आपके 368 पदों पर निकाली है अप्लाई लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप यहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और जो अन्य फीचर आप यहां पर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और साथ ही यहां पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी ACTT 2021, जिसमें कि आपको कंप्लीट फ्री रिवीजन कोर्स कराए जाएंगे इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से। और ये जो आपकी स्टार्ट होगी ये आपकी 16 दिसंबर से 16 जनवरी 2021 तक होने वाली है, जो कि पूरी तरीके से फ्री है। यहां पर आपको रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जल्दी से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका यूज करके इसको ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ यहां पर दोस्तों अनअकैडमी कर रहा है आपकी TT T20 डेली टेस्ट फॉर्म, जिसमें कि आपको यहां पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिनके नाम यहां पर आप देख पा रहे हो जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर होंगे। और ये आपकी 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे रोजाना होती है। तो आप इसको भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। और अगर आप यहां पर दोस्तों TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप यहां पर 12 मंथ का प्लान 6000 रुपये में ले सकते हो, बट अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। मेरा कोड है GDSTT। तो आप ये कोर्स लेने से पहले या फिर इसका सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहां पर आप जान सकते हो कि आप लोग इस फॉर्म को 15 दिसंबर 2020 से लेकर के 14 जनवरी 2021 रात 12 बजे तक फिलअप कर पाओगे। तो आपको इन जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है, फिर आपको यहां पर टिक करना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद यहां पर आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद आपको यहां पर ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आपको यहां से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर पोस्ट अप्लाइड के ऊपर क्लिक करके ये चूज करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। ये आपकी जो वैकेंसी निकाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की पोस्ट पर निकाली गई है, तो यहां से आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आते कैंडिडेट फुल नेम। अब यहां पर जो आपने नाम फिलअप करना है ये आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है, फिर इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहां पर फिलअप कर देनी है। तो चलिए हम यहां पर इसको फिलअप कर देते हैं। इसको फिलअप करने के बाद यहां पर आपको फिर से दोबारा से डाल करके इसको कंफर्म करना है। अब यहां पर जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया गया है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लीजिए। फिर जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सबको एक बार चेक करना है, और चेक करने के बाद नीचे आकर के पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहां पर एक आएगी विंडो, आपको उसको ओके करना होगा, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको यहां पर जो आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है वो मिल चुका है। साथ इन्होंने आपको बोला है कि आपको इन्होंने मेल मैसेज के माध्यम से आपके पासवर्ड की जानकारी दी है, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर भी होगा। तो अब यहाँ से आपको लॉगआउट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको मेल मैसेज के माध्यम से जो यूजर आईडी दी गई है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, फिर जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, और इसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने यहां पर राइट साइड में क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने ये ऑप्शन मोबाइल के अंदर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पफिन ब्राउजर PUFFIN पफिन ब्राउजर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस वेबसाइट को वहां पर डेस्कटॉप वर्जन के अंदर ओपन करना है, फिर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहां पर फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर फिर से प्रोसेसिंग होगी और आपको जो ब्राउजर है वो रिकमेंड किए जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करने के बाद यहां पर इनको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपका जो जानकारी है रजिस्ट्रेशन का वो दिया गया है और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है, जैसे कि सेंटर चॉइस। तो आप यहां पर इन लोकेशन में किन सेंटर को चॉइस देना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट करनी है, सेकंड चॉइस यहां से चूज कर लेनी है, और थर्ड चॉइस यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको चूज करनी है। जेंडर आपका जो भी है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आती है आपकी DOB, तो आपकी DOB क्या हो यहां से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले आपका ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ, और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। आर यू ए
AI इंटरनल कैंडिडेट अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू कंप्लीटेड वन ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन AI, अगर आपने की है तो आपको यस की करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद वर यू ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन स्टेट, बेसिकली क्या आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर थे तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इन सब जानकारी को करने के बाद आपको चेक करना है, और फिर चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें कि आपको कुछ और जानकारी भरनी है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम फिलअप करना है, और ये नाम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना होगा। मदर नेम यानी कि आपकी माता जी का क्या नाम हो यहाँ पर आपको डालना है। नेशनलिटी की आपको इंडियन रहने देना है, और मैरिटल स्टेटस के अंदर आपको चूज करना है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर जो भी आपका स्टेटस है। आधार नंबर अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर कॉन्टैक्ट की जानकारी आती है, तो आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट की जानकारी को कंफर्म कर लेना है। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। आपकी कंट्री यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। एग्जाम सिटी, सॉरी, यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम अलग से फिलअप करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे आता है इज परमानेंट एड्रेस इमेज प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपको फिर अगर आप नो करोगे तो आपको यहाँ पर अलग से अपनी जानकारी भर देनी है, नहीं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए और ऑटोमेटिकली ऊपर की जानकारी यहाँ पर भी आ जाएगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी, जिसमें कि आपको सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी है। आपने किस बोर्ड से 10th किया उस बोर्ड का नाम देना है, किस यूनिवर्सिटी से किया, बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी नहीं ना ही इंस्टीट्यूट, आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको अपने कॉलेज या फिर स्कूल का नाम दे देना है। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे, आपको उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एक एक करके लिख देने हैं, क्योंकि वो सबसे बेहतर रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी सभी सब्जेक्ट को मिला करके कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। ये करने के बाद आपके सामने आती है इंटरमीडिएट की जानकारी, तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, और आपने किस कॉलेज से की है उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए यहाँ से इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर जिससे भी आपने की है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए, PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स, या फिर एक एक करके आप सभी सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्पेस है सब्जेक्ट के नाम लिखने का। आपने किस ईयर के अंदर पास की थी वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और ये करने के बाद नीचे आती है ग्रेजुएट की जानकारी, तो आपको यहाँ पर डिग्री नेम इनमें से चूज कर लेना है, बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, या फिर जो अन्य वो, तो यहां से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नेम यहां पर एंटर करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो यहां पर आपको एंटर करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी कितनी थी सभी सेमेस्टर को मिला करके, तो यहां पर आपको एंटर कर देनी है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देखोगे पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी की है तो आप उसकी जानकारी सेम तरीके से भर दीजिए। डिग्री नेम के अंदर डिग्री का नाम डाल दीजिए, और स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको सब्जेक्ट का नाम देना है कि आपने किस सब्जेक्ट के अंदर की है, और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी होगी। फिर नीचे आता है डू यू हैव मिनिमम प्रोफिशेंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10th प्लस 2 स्टैंडर्ड, अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। हैव यू पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड, यानी कि क्या आपने 10वीं और 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ी है, पास की है, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। नीचे आती है वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी, अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके उस पोस्ट का नाम डालिए जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, उस कंपनी का नाम डालिए जिसके अंदर आपने काम किया है, वो डेट यहाँ पर डालिए जिससे आपने वर्क ज्वाइन किया था, और जब आपने जॉब छोड़ी थी वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है, नहीं तो आपको सिंपली इन जानकारी को चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आती है दोस्तों आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की जानकारी, तो यहाँ पर दोस्तों आपका फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है, बट आप पुराना भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके फेस के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। फिर आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जो अपना फोटो अपलोड करना है उसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का ही रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करना है, मैं एक रैंडम इमेज सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा।
फिर यहाँ पर आपको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपको इसको क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद जो यहाँ पर डिक्लेरेशन है वो आपको रीड करना है, और जो नीचे कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप करके नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सभी जानकारी को आप यहाँ पर वन लास्ट टाइम कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको चेक करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। बट ध्यान दीजिए कि आपको अब कोई मौका अतिरिक्त इसमें चेंजेस करने का नहीं दिया जाएगा। तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ये करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम से करना चाहिए कर सकते हैं, नेट बैंकिंग एसबीआई की या फिर अन्य बैंक की, कार्ड पेमेंट एसबीआई का या फिर अन्य बैंक का। तो यहाँ से हम अगर कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको इसको कन्फर्म करना होगा, एक बार फिर से आपको कन्फर्म करना होगा, और अब आपके सामने जानकारी को फिल करने के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको सेंड एनीवे यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इसको कर देते हैं, और अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी ये डाल करके पे के ऊपर क्लिक करना है। बट आपको बस ध्यान ये देना है कि जब आप फीस जमा करें आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अनफेल्ड यानी कि फेल्ड या फिर अनपेड आए, तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है, आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब करके बैल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।